बत्रमा युवा समाज ने अपने पहल पर गांव के चारों दर्रों पर वृक्षारोपण कर सुंदर वातावरण बनाया। बड़गा जिले के सोहेला प्रखंड शनि मॉल पंचायत अंतर्गत बत्रमा गांव के युवा गांव के चारों दर्रों पर तरह तरह के पेड़ लगाकर हरा भरा और सुंदर वातावरण बनाने के लिए एक साथ आए हैं। कोरोना की वजह से पूरे उड़ीसा में हाहाकार मच गया है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है। तीसरी लहर को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए आज बत्रमा गांव के युवाओं ने क्षेत्र की सफाई कर सड़कों पर पेड़ लगा दिए हैं। कार्यक्रम में गांव के युवकों ने पिछले साल लगाए गए पेड़ों की सफाई भी की और पेड़ों को बचाने के लिए उनमें जाला लगा दी। आलिया गांव के चारों गलियों में कूड़ा करकट हटाकर खूबसूरत माहौल बनाने की मिसाल बन गई है। आसपास के गांव के लोग इस काम की तारीफ कर रहे हैं। अगर युवा घेष क्षेत्र से बाहर निकल आए और ऐसा किया तो कोरोना का तीसरी लहर में प्रवेश करना नामुमकिन हो जाएगा। मोर नाम हूँ सुरेश कुमार मेहर, मुझे झारबंधन टीचर अच्छा से जगह भी मोर स्कूल रे भी मुझे आम से गाँव रे प्रत वर्ष गज लगासूँ जिते बेले कोरोना है घर रही स्कूल मैंने छुट्टी हो जाए से लगे इटा कि सरकारी सहायता नहीं से निजे गज आनी करी आम क्रिकेट टीम अच्छे बाटदार मार बोले छुट्टी घर अच्छे बोले किसी गोटे करूँ बोल कर विचार कलु आई गज लगे पाखापाखि 90 गज लगे इटा निज तरफ रु कि हाँ निजे इटा सब आज कौन सरकारी सहायता नहीं से निजे सब समस्त सहयोग कर बड़गढ़ जिले से किशोर चंद्र राणा की रिपोर्ट।